सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डीसीएफ चेयरमैन सुरेंद्र अग्रहरी ने नहरों की सफाई नहीं होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दुद्धी नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाली नहर की साफ सफाई नहीं हो रही है, जिसके चलते नहरों में कूड़ा करकट इकट्ठा हो जा रहा है और उसमें बरसात का पानी जम जाने के कारण दुर्गंध निकल रहा है। बदबू आने से लोगों को नाक मूंद कर जलना पड़ रहा है। विदित हो कि तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर धनौरा गाँव का लकड़ा बांध स्थित है, जहाँ से नहर निकली हुई है, जो दुद्धी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 को स्पर्श करते हुए मलदेवा गांव से आगे बढ़कर नदी में मिल जाती है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र अग्रहरी। अभी आपने एक मुद्दा उठाया है नहरों की साफ सफाई को लेकर, क्या मामला है? मैं अनुभव कर रहा हूँ कि लगभग मैं जब से जान रहा हूँ तब से लकड़ा बांध से जो नहर निकला है उसकी साफ सफाई आज तक नहीं हुई है। 2 साल पूर्व भी मैंने जो नगर पंचायत में डीआर पैलेस के पास नहर की स्थिति है वहाँ पर बहुत गंदगी थी। मैंने नगर पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोला था कि अगर सफाई इसकी नहीं होती है तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि जब से मेरी जानकारी है तब से इस नहर की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण लकड़ा बांध से निकली नहर जो रामनगर जो नगर पंचायत का वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 5 भाग स्पर्श करते हैं वहाँ की साफ सफाई नहीं हुई है। उस नहर में बहुत ही गंदगी पड़ी हुई है और बरसात का पानी जमा हो जाने के कारण वह गंदगी दुर्गंध उससे उठ रहा है, जिससे लोगों का चलना फिरना दुभर हो गया है। मैं कहना चाहूँगा इस संदर्भ में मैं एसडीएम महोदय जी को एक अपना ज्ञापन भी दिया हूँ 8 सितंबर को ही, लेकिन उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इसी तरह का व्यवस्था रहेगा तो मैं अभी विधानसभा सत्र 19 तारीख चलने वाला है, मैं एक हस्ताक्षर अभियान चला करके मैं मंत्री जी को ज्ञापन दूंगा कि आपके सोनभद्र जिले में नहरों की साफ सफाई की यही स्थिति है और देख लीजिए पैसा आ रहा है उसका उस पैसे का दुरुपयोग कागजों पर ही करके खत्म किया जा रहा है।